काफी समय के बनाया दूध में कई गेहूँ उनके लिए वगैरह चावल जिसके अंदर शिक्षा का अधिकार दिया और सुरक्षा का अधिकार दिया। मैंने कहा पांचवा कानून बनाओ आप वो हो समय सुरक्षा, जिस दिन कानून बन जाएगा उस दिन आप देखेंगे ना पैसे की जरूरत पड़ेगी किसी देने की, जो हत्या की गिना लेते भी आपको 25,000 का बीमा 100 यूनिट 3 किसानों के लिए 2,000 यूनिट 3 अनुपत योजना में नौजवान 30 से 50,000 एक लाख और की कर 30,000 बच्चों को सरकार करवा रही है। अन्नपूर्णा किट ले रही है राशन की दुकान से, काम से योजना वो कर रहे हैं हम लोग गायों को बीमा के लिए, जितनी योजना दे रहे हैं स्मार्टफोन दे रहे 40,00,000 महिलाओं को 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री, जितनी योजना हमारी है अगर आप सोशल सिक्योरिटी एक्ट बना ले सको तो इसे जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी। हर परिवार को सत्य जो है दुनिया के मुल्कम होता है, हर परिवार का ध्यान रखा जाए तो सरकार जानो जैसे उसकी आवश्यकता होती है वो ढंगा उनको ठीक से कदम मिल जाता मंत्री कदम मिल जाता। आज महंगाई इतनी भारी मार कर रही है, सब्जी तक महंगी हो गई, क्या तो खाए क्या वो खाना बनाए महिलाएं, हर 1100 हो गया गैस सिलेंडर जिसका आपने कहा हम फ्री में देंगे, खरीद सकते साढ़े 1100 सिलेंडर एक महीने का, हमने 500 रुपये में सिलेंडर दे दिया पूरे देश के अंदर तिरंगा मच गया पूरे देश के अंदर 500 रुपये। जैसे मैंने घोषणा करी राहुल गांधी आए थे के अंदर पूरे देश के हर राज्य में केंद्र सरकार चिंतित हो गई, जो दबाव में आ गई हमारे दबाव के कारण से उन्होंने अभी आपने देखा होगा एक महीने पहले घोषणा कर लिए हम 200 रुपये कम करेंगे उनके लिए। मैं कहना चाहता हूँ 200 रुपये कम क्यों, अगर राजस्थान गवर्नमेंट दे सकती है 500 रुपये में केंद्र क्यों नहीं दे सकता 500 रुपये गैस सिलेंडर, अगर राजस्थान सरकार 25,00,000 का बीमा कर सकती है आप है जी वो तकलीफ हुई होगी इलाज की तो मालूम है कितना खर्चा होता है इलाज का, घर बिक जाते हैं जाने जल्दी लेने पड़ते थे उतार लेने पड़ते थे पैसे दवाओं के जांचों के ऑपरेशन के, अब घुटने का ऑपरेशन हो चाहे कुल्लों का हो चाहे हार्ट का हो चाहे किडनी का हो चाहे कोई ऑपरेशन हो सब फ्री करते हैं हम 25,00,000 बीमा कैसे करते हैं, 25,00,000 बीमा कैसे करते हैं, हिंदुस्तान में कहीं है केंद्र सरकार क्यों नहीं कर सकती, केंद्र केंद्र है हमें तो इसके प्रबंधन करना पड़ता है, आपके पास आज भी है आप क्यों नहीं करते। 40,00,000 का मैंने डीबीटी कर दिया किसानों के लिए पशुपालकों का, जिन गाय मर गई थी धनती का 40,000 रुपये का इस तरीके का हुआ देश के अंदर। मैं कहना चाहूंगा आपको आज हमने पिछले साल में 250 करोड़ छोड़ी जाता हूँ और आपका जो सिरमौर है आज अभी पहले से यहाँ बड़े बड़े कॉलेज हवेलियाँ बनी हुई है स्कूल बनी हुई है, स्कूल बिल्डिंग भी कॉलेज की तरह की है, तो हमने बहनी बनाई थी सुमिता सिंह जी आपकी यही की बहनें बेटी हैं और माताएं मनुष्य लेकर पड़ी वहाँ पे बाद में और यहाँ पढ़ के गई इसी मन जा सके। अब कल्पना कीजिए जुनू चिरमोला हमेशा शिक्षा के अंदर आज मैंने आपके आशीर्वाद से 700 साल 250 कॉलेज और मैंने 4,450 को दी 310 कॉलेज को दी कहीं 5 कहीं 4 कहीं 3 कहीं 2 कहीं 1 जो मांगा मैंने कहा तुम थक जाओगे मैं नहीं थकूंगा। अगर भी हुआ आज तक सीएससी पीएससी तहसील नगर पालिका प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय मैंने पिछली बार खोला स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय खोला था जुड़ों के लिए गायब हो गया सजा बने ताकि मैं गया उसने शानदार विश्वविद्यालय बन जाता स्कूल का।
तो मैं आपको कहना चाहूंगा, आज दिल्ली के नेता के वोट मांग रहे हैं केंद्र सरकार के बड़े बड़े मंत्री और मंत्री जो भी हैं, एमएलए एमपी जो भी हैं, मैं ये कहना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा, यहां आने के पहले वोट मांगने पहले कम से कम दो बातें करें। एक तो जो योजना हमारी है राइट टू हेल्थ एक्ट बना दिया, दुनिया में कहीं है स्वास्थ्य का अधिकार का कानून बन गया रास्ता के अंदर है दुनिया में कहीं पर? किसानों की जमीनें कुर्की नहीं होगी, कहीं पूरी सुनवाई होगी, कर्जा माफ होना है, कितना होना है, किस्तों बना दिया, कानून पास कर दिया हम लोगों ने। मैं ये कहना चाहूंगा केंद्र सरकार के मंत्रियों से, नेताओं से, आप भी आओ तो दो बातें कर गई हो, प्रधानमंत्री जी पूछ लिया हो। एक तो जो हमने स्कीम बनाई है 25 लाख का बीमा हो या अन्य योजना हो, गायों का बीमा कर रहे हम लोग 40 हजार का, 2 बच्चों के परिवार के 2 सालों में अनुदान दे रहे हम लोग। ये गोबर बनते हैं, अपने गोबर तो हम लोग हैं, मंदिरों का ध्यान रख रहे हैं, निर्माण करवा रहे हैं, और मालूम ना आपको जो अनुदान हम दे रहे हैं गायों को, गौशालों को, विभाग मैंने बना दिया राजस्थान के अंदर गाँव का अलग से, एक बार हम करते हैं पशुओं का इलाज पूरा फ्री करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, 2 साल हमको पिछली गवर्नमेंट दिए 500 करोड़ रुपए दिए 5 लाख के अंदर, अब सुनना है हम दे रहे हैं इस बार 5,03,000 रुपये दे रहे हैं 2 सालों को, बता दीजिए आप। और ये बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं कि हम लोग राष्ट्रवादी नहीं है, अच्छी सेवा हम कर रहे हैं, गायों की कर रहे हैं, मंदिरों की कर रहे हैं, ये तुम्हारे कहने कुछ नहीं। दो बातों में ध्यान चाहता हूँ, एक तो ये आए थे यहाँ पर चैम्बर करने, तो पूछो भाई अगर स्टेट गवर्नमेंट बड़े बड़े फैसले कर सकती है जन कल्याण के, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप कानून बनाओ, प्रॉपर राइट टू हेल्थ का बनाओ, सोशल सिक्योरिटी का बनाओ, 25 लाख का बीमा आप भी करो, गायों का बीमा करो, प्रदर्शन का। हमने जो फैसले कर दिए, आज इवन गवर्नमेंट ओलंपिक भी क्यों नहीं हो, पूरे हिंदुस्तान के हर राज्य में पहली बार आता चर्चा में आ गया है, इतने काम होने का। हर राज्य में हमारी स्कीमों की चर्चा हो रही है, जाते का नाम ऊंचा हो रहा है, तो ओपीएस क्यों नहीं हो? कर्मचारी जो हमने ओपीएस दिया है, ओपीएस क्या क्या मजा लिया देश के अंदर, लाता है कर्मचारी का मान सम्मान पूरे देश के कर्मचारियों में बढ़ गया है, ओपीएस देना बहुत बड़ा काम है। उनके लिए हेल्थ सर्विसेज स्कीम लागू की आज जैसे, बहुत बड़ा काम है। अभी मेरे मिलने नीचे आपके कर्मचारी में तो 10-20-30 की जगह 9,027 कर दिया हमने उनके लिए, इससे खुश है मुझे। हिंदुस्तान में हर जगह जाते ही चर्चा हो रही है। मैं कहना चाहूंगा हमारी स्कीमों को अध्ययन करें केंद्र सरकार, अध्ययन करने के बाद में तय करे कौन स्कीमें लागू हो सकती देश भर के अंदर, केंद्र में हो सकती है वो फैसला करे, नहीं हो सकती बताए आकर के यहाँ राजस्थान में ये स्कीम लागू इसलिए नहीं हो सकती हमारी, हमारी मजबूरी है बताए। और लास्ट में प्रधानमंत्री को चाहिए अभी तक जो नुमाइंदे आपके आ रहे हैं कैंपेन करने के लिए, और वो खुद भी उनको घोषणा करनी चाहिए, जो ओपीएस आरजीएसएस 25 लाख का बीमा राइट टू हेल्थ एक्ट जो जो एक्ट बनाए हुए जो मैंने गिनाया आपको, अन्नपूर्णा किस्त, गायों का बीमा, जो हम कर रहे काम 100 यूनिट बिजली, 2000 यूनिट बिजली फ्री, पेंशन,